नमस्कार, मेरा नाम है भावना और आप देख रहे हैं पॉजिटिव समाचार, जहां अध्यात्म और आध्यात्मिक विज्ञान से जुड़ी हर खबर हम पहुंचाते हैं आप तक। इस शो में आपको मिलेगी ध्यान प्रचार को द्वारा विश्व भर में किए जा रहे ध्यान प्रचार और शाकाहार रैलियों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण खबर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पंजाब में विभिन्न स्थानों पर ध्यान प्रचार निरंतर जोर शोर से जारी। पुणे में खराड़ी स्थित साईं बाबा पिरामिड ध्यान केंद्र में निरंतर हो रहा सामूहिक ध्यान, लोग ले रहे पिरामिड के लाभ। लुधियाना के स्वामी विवेकानंद मेडिटेशन पिरामिड में हुआ विशेष ध्यान सत्र, नए ध्यानियों ने सीखा ध्यान। महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ विशेष ध्यान शिविर, नए पिरामिड केंद्र का भी हुआ उद्घाटन। दिल्ली के सफदरजंग स्थित परिनिर्वाण पिरामिड ध्यान केंद्र में हुआ विशेष सत्र, PSSM ग्लोबल की आर्ट डायरेक्टर नंदनी बंसल जी ने संचालित किया सत्र। छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित कैलाश ध्यान केंद्र में हुआ साप्ताहिक ध्यान सत्र, मनीष जी ने किया संचालन। पिंक सिटी जयपुर के आंध्रा एसोसिएशन में ध्यान के साथ मनाई गई उगादि, सीनियर मास्टर श्यामला देवी जी रही मौजूद। उड़ीसा के राउरकेला में संपन्न हुआ अमावस्या ध्यान, रंजना बगारिया जी के आवास पर हुआ आयोजन। हरियाणा के बल्लभगढ़ में बालाजी कॉलेज ऑफ फार्मेसी में दी गई ध्यान कक्षा, मंजुला जी ने किया संचालन। मुंबई में घर घर ध्यान टीम नियमित सिखा रही लोगों को ध्यान, लोगों में फैल रही आनापानसती ध्यान के प्रति जागरूकता। नवी मुंबई स्थित एरोली वेस्ट में मास्टर कंचन सचिन गुप्ता जी ने कराया ध्यान, 2.5 घंटे तक चला सत्र। महाराष्ट्र के पुणे में स्वामी निवास वृद्धाश्रम में बुजुर्गों ने सीखा ध्यान, पौड़ गांव में है वृद्धाश्रम। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ पिरामिड केंद्र का उद्घाटन, शोभा गुप्ता जी के आवास पर बना है पिरामिड। सीनियर मास्टर चंद्रपुर अमर सेट्टी जी ने दिल्ली NCR के कई कार्यालयों में कराया ध्यान, सफल उद्यमियों को अध्यात्म से जोड़ना रहा उद्देश्य। राजस्थान के जोधपुर स्थित आर्मी पब्लिक स्कूल में हुआ ध्यान, लोगों ने जाने ध्यान के लाभ।